हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रचना रसोई रेसिपी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का अचार। ये मेरा फेवरेट अचार है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए मूली का अचार के लिए, आइए देख लेते हैं। ये हमने मूली ले लिया है, आधा किलो मूली है। मूली आप मार्केट से ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं लाएँ, तो मूली देख कर लाएँ। ये मैंने मूली को एक चम्मच नमक डाल के इसको रख दिया था, इसका पूरा जूस निकल गया, तो उसको हम 2 घंटे धूप में सुखा लिए हैं। आपके पास अगर धूप नहीं हो तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं 2 घंटे के लिए। ये हमने मूली लिया है, हल्दी पाउडर है, सरसों का तेल है। सरसों का तेल अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, वैसे अचार सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। ये कलौंजी है, अजवाइन है, ये नमक है, ये सौंफ हैं, और ये हींग हैं, और ये क्रश्ड काली मिर्च हैं, ये 2 चम्मच विनेगर हैं, और ये हैं लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ मैंने ये मसालों को कुछ दरदरा कूट लिया है। ये सौंफ पाउडर हैं, और ये हैं सरसों, काली या पीली सरसों, कोई भी सरसों ले सकते हैं, और ये मेथी दाना है। अगर आपके पास ये मसाले ना हो तो आप मसालों को 2 मिनट के लिए भून लें, उसके बाद आप मिक्सी में पीस लें, दरदरा पीसना है। और ये मैंने हरी मिर्च लिया है, और अदरक है, अदरक को काट लिया है टुकड़ों में, और ये लहसुन है। लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें। तो सबसे पहले हम मूली में ये हरी मिर्च, अदरक, डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे, यहां पर मैंने पैन चढ़ा लिया है, पैन में ये सरसों का तेल डालेंगे, इतना तेल बचा देंगे, इसको बाद में डालेंगे। गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया है, फ्लेम को धीमा कर लिया है मैंने। इसमें लहसुन डालेंगे, इसके बाद मेथी दाना, ये सौंफ पाउडर, उसके बाद सरसों डालेंगे, अब डालेंगे इसमें हींग, हल्दी पाउडर, मिक्स कर देंगे। अब इस मसालों को हम मूली में डालेंगे, ये मूली में डाल देते हैं। चला देंगे, इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, मिर्च अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे, चला देंगे। और यहाँ गैस पर मैंने तड़का पैन ले लिया है, इसमें हम तेल डाल दिए हैं सरसों का। तेल में हम डालेंगे पहले अजवाइन, उसके बाद सौंफ, फिर मेथी, फिर कलौजी। इसी क्रम में मसालों को डालना है,
जिस क्रम में मैं डाल रही हूं पहले डालेंगे अजवाइन, सौंफ, मेथी और सबसे लास्ट में कलौंजी। इसको हम अचार में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हम अचार में डाल देते हैं। खड़े मसालों का टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हमने थोड़ा यहाँ पे खड़ा मसाला भी डाला है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मूली का अचार बनकर तैयार है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे ये विनेगर 2 चम्मच। विनेगर जरूर डालें, विनेगर अगर नहीं डालेंगे तो आपका अचार खराब हो सकता है। कोई भी विनेगर आप ले सकते हैं। इसको 3 दिन बाद अचार हमारा अच्छे से खाने लायक हो जाएगा। तो आप भी अपने घर में ये अचार बनाइए, खाइए, आपके परिवार को पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।